Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 a.m. to 1 p.m. to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Welcome students, this is Nitin Sharma and aaj hum start karne wale hain apne chapter number 8 ka exercise 8.2. So our question number 1 is calculate the amount and compound interest of the following, that is A, B, C, D. And first part is A. A में क्या given है आपको? Rupees 10,800 for 3 years at what rate? 12 rupees, 1/2% per annum compounded annually. Okay, हमने दो चीजें discuss की थी, एक compounded annually means yearly and second one is compounded half yearly और कंपाउंडेड सेमी ईयर. ठीक है, हमारे पास इसमें कौन सा केस है? कंपाउंडेड एनुअली का केस है. तो उसके लिए हमें अमाउंट का फॉर्मूला पता है क्या होता है. पहले हमें जो गिवन चीजें हैं वो लिख लेते हैं. सो आवर सॉल्यूशन इज, हमें पी गिवन है, प्रिंसिपल अमाउंट हमें गिवन है, दैट इज 10,800 रुपीज. क्लियर. हमें टाइम पीरियड गिवन है टी विच इज इक्वल टू 3 ईयर्स. देन हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, दैट इज 12 इंटीजर 1/2%. ओके, इसे हम चेंज कर लेते हैं सिंपल फ्रैक्शन में. 12 इंटीजर 24, 24 प्लस 1 इज 25/2%. ओके, एंड हमें क्या गिवन है? इट इज पर एनम एंड इट इज कंपाउंडेड एनुअली गिवन है. ओके, कंपाउंडेड एनुअली गिवन है. तो हमें अमाउंट फाइंड करना है एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है. अमाउंट का फॉर्मूला हमारे पास पता है, ए इज इक्वल टू बी 1 + r/100 रेस टू दी पावर f, वेयर p इज योर प्रिंसिपल, r इज योर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड n इज योर टाइम पीरियड. ओके, सो हम वैल्यू पुट कर देते हैं. P की वैल्यू क्या गिवन है हमें? 10,800. 1 + r हमें क्या गिवन है? 25/2. तो by 2 means 100 के वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा. 25/2 means ये आपका 25 r हो गया एंड by 2 means by 2 एंड दिस मल्टीप्लाई 100. सो मैं यहां पर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं. 25/2 मल्टीप्लाई 100 means 200, दैट इज 25/200. ओके, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ 100 यहाँ 200 कैसे हो गया. आर यहाँ पे क्या था? 25/2% था. ओके, सो 25/2 हमने लिख दिया और नीचे ऑलरेडी क्या है? 100 है, तो 100 उसके साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, मींस 200 हो जाएगा. देन होल रेस टू दी पावर एन, टाइम पीरियड दैट इज 3 ईयर्स. इतना क्लियर. अब हम यहां पे कैंसिल हो रहा हो तो कैंसिल कर देते हैं. 25 × 25 एंड 25 = 100. क्लियर, 25 = 100. क्या बचा हमारे पास? 10,800 1 + 1/8 रेस टू द पावर 3. नाउ 1 + 1/8, अब डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो डायरेक्ट एडिशन तो होगा नहीं, तो पहले हमें डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा. वो हम कैसे करते हैं? बाय एलसीएम. एंड 1 और 8 का एलसीएम क्या होगा? 8 होगा. यहाँ पे ऑलरेडी 8 है, यहाँ पे 8 करने के लिए हमें दोनों साइड 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मींस न्यूमिरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी. सो 8 × 1 = 8, 8 + 1 = 9 एंड अपॉन में 8, तो आपका इसमें आंसर क्या आ जाएगा? 9/8. ओके, सो 10,800 टू 9/8 रेस टू दी पावर 3. क्लियर. अब इस चीज को हम यहां सॉल्व कर देते हैं. ये कंपाउंडेड एनुअली है, ठीक है, तो मैं इसको शॉर्ट में CA लिख देता हूं. सो इसको हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखेंगे. 10,800 multiply 9 by 8 multiply 9 by 8 multiply 9 by 8. ओके, 3 टाइम्स.
देन जो कैंसिल हो रहा है उसे हम कैंसिल कर देते हैं. ओके, टू से भी कैंसिल कर सकते हो आप, फोर से भी कैंसिल कर सकते हो. दैट इज टू फाइव जा टेन, टू फोर जा एट एंड डबल जीरो एंड टू फोर जा एट. अगेन टू से कैंसिल हो सकता है, टू टू जा फोर, टू सेवन जा फोर्टीन एंड डबल जीरो टू टू जा फोर. अगेन टू से कैंसिल हो सकता है, टू वन जा टू, टू थ्री जा सिक्स एंड टू फाइव जा टेन, वन थ्री फाइव जीरो. अगेन ये टू से कैंसिल हो सकता है, टू फोर जा एट एंड टू सिक्स जा ट्वेल्व, टू सेवन जा फोर्टीन एंड टू फाइव जा टेन. तो कितना रिमेनिंग रहा आपका ऊपर, 675 मल्टीप्लाई 9, हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स एंड 8 फोर जा 32. 675 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 इज 9 क्यूब एंड 9 क्यूब इज 729 एंड डिवाइड बाय 32. इसका मल्टीप्लाई करना है हमें, 729 मल्टीप्लाई 675. क्लियर, 9 फाइव जा 45, 5 टू जा 10 प्लस 4 इज 14, देन 5 सेवन जा 35 प्लस 1 इज 36, 7 नाइन जा 63, 6 7 टू जा 14, 14 प्लस 6 इज 20, 2 7 7 जा 49, 49 प्लस 2 इज 51, देन 6 9 जा 54, 5 6 2 जा 12 प्लस 5 इज 71, 6 7 जा 42, 42 प्लस 1 इज 43, देन एडिशन 5, 4 plus 3 is 7, 6 plus 4 is 10, 3 plus 1 is 4, plus 1 is 5, 7 plus 5 is 12, 5 plus 1 is 6, 6 plus 3 is 9 and 4. So, आपको क्या मिला? 492075. Okay? This is 492075 divided by 32. क्लियर, अब इसे हमें 32 से इसको डिवाइड करना है, दैट इज 32 492075. अब 32 का नियरेस्ट टेंस वाला टेबल कौन सा है, 30 का, तो हम 30 का टेबल लिख देते हैं यहां पे. ठीक है, ये हो गया आपका 30 का टेबल. ओके, इससे हम इजीली इसे अप्रोच कर सकेंगे. ओके, सो फर्स्ट हम देखते हैं 32, ये तो टू डिजिट हम लेंगे तो 32 वन जा 32 ही रहेगा, 32 32 जा 60 हो रहा है, सो 32 टू जा तो 60 से ज्यादा ही होगा, सो 32 वन जा 32. क्लियर, 9 माइनस 2 इज 7, 4 minus 3 is 1 and 172. अब आपको 17 वाली कौन सी लाइन है आपकी, ये तो 180 वाली लाइन हो गई, ये कितने 150, यानी कितने टाइम्स आ रहा है, 30 फाइजा 150 होता है, तो हम एक बार 32 फाइजा चेक कर लेते हैं. 32 फाइजा, 5 टू जा 10, 5 थ्री जा 15 प्लस 1 इज 16. ओके, नियरेस्ट वैल्यू हमारे इसके पास आ गई, सो 32 फाइजा That is 160. Clear? 2 में से 0 गया 2, 7 में से 6 गया 1. Clear? Then आपका आ जाएगा 0. Okay. Then 32 जा 34 जा कितना हो रहा है, 120 हो रहा है, तो obvious है कि 32 4 जा 120 से ज्यादा ही होगा. Okay? So हमें 32 3 जा लेना पड़ेगा. 32 3 जा, 3 2s are 6 and 3 3s are 9. Clear? That is 96. Okay? 4 and 2.
ओके 240 तो ये इसी में हो रहा है, 8 जा में तो 32 8 जा तो 240 से काफी ज्यादा हो जाएगा, यानी 247 से भी काफी ज्यादा हो जाएगा, तो हमें कौन सा लेना पड़ेगा 7 टाइम्स, सो 32 7 जा 7 2 जा 14 7 3 जा 21 प्लस 2 इज 22 नियरेस्ट आ गया, अगर आप 32 8 जा करते हैं तो ज्यादा हो जाता इस, ठीक है, सो 32 7 जा कितना है 224, 7 में से 4 गया 3, 4 में से 2 गया 2, देन लास्ट वैल्यू आपकी क्या है 5, अगेन 235 है, 240 तो यहीं पे हो रहा है 30 के टेबल में, सो हमें फिर से कौन सी वैल्यू लेनी पड़ेगी 7 टाइम, दैट इज 224, क्लियर, 5 में से 4 1, 3 में से 2 गया 1, देन पॉइंट एंड जीरो, क्लियर, अब 110 33 जा 90 हो रहा है, 34 जा ही 120 हो रहा है, तो हम 32 3 जा रख के चेक कर लेते हैं, 32 3 जा हमारे पास ऑलरेडी है कितना है 96 है, ओके समझ आ रहा है, क्योंकि 34 जा हम क्यों नहीं ले रहे, 34 जा ही 120 हो रहा है, तो ऑब्वियस है कि 32 4 जा 120 से भी एक्सीड करेगा, और 120 से एक्सीड हमें चाहिए नहीं, सो 32 3 जा इज 96, क्लियर, सो आपको क्या मिलेगा यहां पे 4 एंड 1, 14 मिला एंड पॉइंट है तो आप एक जीरो बढ़ा सकते हो, इसके बाद आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ वैल्यू कौन सी चाहिए, अब 34 जा 120 हो रहा है तो ऑब्वियस है कि 32 4 जा कितना हो जाएगा 32 4 जा 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12 128 काम आ जाएगा, पॉइंट के बाद हमें 2 डिजिट इनफ है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहां पे 15377.34 दैट इज 15377.34, क्लियर, सो यहां पे डिवीजन में हमें काफी मेहनत लगी, क्लियर, नाउ ये आपका क्या आया अमाउंट आया, ये आपका क्या आ गया 15377.34 रुपीस, यानी एक चीज तो हमने कैलकुलेट कर ली अमाउंट, दूसरा हमने क्या फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो सीआई का फॉर्मूला क्या होता है आपका ए माइनस पी, ए आपका कितना फाइंड किया आपने 15377.34, इसमें से आपको क्या माइनस करना है P माइनस करना है एंड P कितना है आपका 10,800 और पॉइंट के बाद हम दो जीरो पुट कर सकते हैं, ये आपको माइनस करना है तो इससे आपको क्या मिल जाएगा सी एफ 4 माइनस जीरो इज 4 3 माइनस जीरो इज 3 7 माइनस जीरो इज 7 7 माइनस जीरो इज 7 ये हो गया आपका 13 एंड ये 4 13 में से 8 गया तो आपका 5 एंड 4 में से 0 गया तो 4 एंड 1 माइनस 1 इज 0 तो आपका सीआई क्या हो जाएगा 4577.34 रुपीस एंड दिस इज योर आंसर। जनरल इसमें कैलकुलेशन कहां पे हार्ड पड़ती है, आपको जहां मल्टीप्लिकेशन करना होता है वो चीज आपको ध्यान रखनी है, देन आपका डिवीजन प्रॉब्लम, डिवीजन में आप 32 का टेबल डायरेक्ट आपको लर्न नहीं होगा तो हमें उसकी नियरेस्ट टेंस वाला टेबल लिखने का दैट इज 30 का, जैसे अगर अकाउंट में 39 होता तो मैं कौन सा टेबल लिखता 40 का लिखता, ओके 33 होता तो मैं किसका लिखता 30 का लिखता, ओके देन आप उससे नियरेस्ट वैल्यू को अप्रोच कर सकते हो, क्लियर, इसके बाद आपका अमाउंट आ गया, अमाउंट से हमने क्या फंड कर लिया अपना कंपाउंड इंटरेस्ट दैट इज ए माइनस पी, क्लियर, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट क्या है, सेम है हमें अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट ही फाइंड करना है, इस बार हमें क्या गिवन है पी आपका कितना है 18,000 है, टाइम पीरियड आपका इस बार फ्रैक्शंस में गिवन है एंड आर जो है आपका 10%, सेम सम है कंपाउंडेड एनुअली है लेकिन डिफरेंट क्यों है, क्योंकि इसमें आपका जो टाइम पीरियड है वो फ्रैक्शन में है, अब इस फ्रैक्शन को हम किस तरह सॉल्व करेंगे वो हम देखते हैं, पी आपका क्या गिवन है आपको 18,000 रुपीज, क्लियर,
टाइम पीरियड आपको क्या गिवन है, टू इंटीजर 1/2 years एंड आर आपको गिवन है 10% विच इज पर एनम एंड कंपाउंडेड एनुअली। क्लियर? कंपाउंडेड एनुअली गिवन है तो हमारा अमाउंट का फॉर्मूला सेम रहेगा। अमाउंट हमें कितने टाइम पीरियड बाद निकालनी है, आफ्टर टू इंटीजर 1/2 years, तो अमाउंट आफ्टर टू इंटीजर 1/2 years इज इक्वल टू, अब इसको हम किस तरह फाइंड करेंगे वो देखते हैं। ए वन प्लस, ये अमाउंट है पी, वन प्लस आर बाय 100 रेस टू दी पावर, पहले मैं यहां पे कितने इयर्स के लिए लिख रहा हूं, 2 years के लिए, ठीक है। यहां पे 2 आपका पार्ट आ गया, देन मल्टीप्लाई करके आपको जो इंटीजर वाला ये फ्रैक्शन वाला पार्ट है वो किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, जितना भी फ्रैक्शन वाला पार्ट को, जैसे यहाँ पे कितना है 1/2, तो हम 1/2 यहाँ लिख देंगे एंड मल्टीप्लाई आर डिवाइड बाय 100। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि जो होल वाला पार्ट है आपका, जो होल पार्ट है वो एक तरफ आपको लिखना है और जो आपका फ्रैक्शन वाला पार्ट है वो आपको दूसरी तरफ मल्टीप्लाई में, आर के साथ मल्टीप्लाई में करते लिख देना। जैसे सपोज यहाँ पे होता 2 इंटीजर 3/4, ओके, सो 2 वाला पार्ट ये आपका पार्ट एज इट इज रहता, इस वाले में क्या चेंज होता, आपको 1 + 3/4 मल्टीप्लाई आर डिवाइड बाय 100 इस तरीके से करके लिखना पड़ता, ठीक है। तो जितना पार्ट आपका जो फ्रैक्शन में गिवन है उसे आप इस तरह से लिखोगे, ठीक है। क्लियर? नाउ अब वैल्यू हमें पुट करनी है, पी आपका कितना है 18,000, 1 + R/100 दैट इज 10/100 रेस टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई 1 + नाउ 1/2 मल्टीप्लाई आर, 1/2 मल्टीप्लाई आर, आर इज आर 10% दैट इज 10 एंड 2 1s are 2 एंड 2 5s are 10, तो मैं यहां पे डायरेक्ट क्या लिख रहा हूं, 1/2 आर की जगह 5 by 100। क्लियर? ये पार्ट आपको मैंने साइड में सॉल्व करके दे दिया कि कितना आंसर आएगा 5। नाउ 18,000, अब यहां पे जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दो, 0 से 10 से 10 गया, क्या बचा आपका 1 + 1/10, क्या हो रहा है 1 + 1/10, अगेन मैं डायरेक्ट एडिशन नहीं कर सकता, दोनों साइड मेरे को क्या लेना पड़ेगा एलसीएम, यानी कि एलसीएम लेकर उसे डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा, देन यहां पे 1 है तो इसको 10 × 10, 10 × 10 + 1 = 11/10, ओके। और डायरेक्ट आइए आप इसको इसमें ऐड करके भी कर सकते हो, 10 + 1 = 11, 11/10 रेस टू दी पावर 2, यहां पे कैंसल हो रहा है तो कैंसल कर देना है, 5 × 5 = 5/20, ठीक है। तो आपको यहां पे क्या रिमेन रहना है, 1 + 1/20 इधर वाले पार्ट पे, अगेन सेम नहीं है, डायरेक्ट आप कर सकते हो 20 + 1 = 21/20, अगर उस तरह नहीं समझ में आ रहा है तो आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो, दैट इज दोनों साइड आपको 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 20 × 1 = 20, 20 + 1 = 21, 21/20, ओके। तो यहां पे आपको क्या मिला, 21/20। क्लियर? नाउ इस पार्ट को सॉल्व करना है, 18,000 × 11/10 × 20, 1/20, ना अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देना, देखो यहां पे 3 0s and 1 2 3 0s, 1 2 3 1 2 3 गेट कैंसिल, 2 यहां पे है 18, यहां पे है 2 1s are 2 and 2 9s are 18, क्या रिमेन बचा हमारे पास, 21 × 9 कर देते हैं, 21 9s are 189
एंड 11 मल्टीप्लाई 11, 11 स्क्वायर दैट इज 121 एंड डिवाइड में आपका कुछ भी नहीं, ठीक है। सो 189 मल्टीप्लाई 121 दैट इज 189, 2 9s are 18, 2 1s are 2 एंड दिस इज 2 9s are 18, 2 8s are 16 प्लस 1 इज 17, 1 2 1s are 2 एंड प्लस 1 इज 3, ओके। एंड अगेन 189, सो दिस इज योर 9, 8 प्लस 8 इज 16, 9 प्लस 1 इज 10, 10 प्लस 8 इज 18, 8 प्लस 1 इज 9, 9 प्लस 3 इज 12 एंड 1 प्लस 1 इज 2 दैट इज 22,869, क्लियर। ये आपका क्या आया, अमाउंट आ गया आफ्टर टू इंटीजर 1/2 ईयर्स यानी 2 ईयर्स एंड हाफ ईयर्स का। सो दिस इज योर ए, तो एक चीज तो हमने फाइंड कर ली अमाउंट, अब हमें क्या फाइंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज ए माइनस पी। व्हाट इज योर ए, 22,869 माइनस व्हाट इज योर पी, पी इज 18,000, 18,000, क्लियर। 9 माइनस 0 इज 9, 6 माइनस 0 इज 6, 8 माइनस 0 इज 8, here it is 12, 1, 12 minus 8 is 4, and 4,869. So your CI is 4,869 rupees. Okay?